नमस्कार, आप देख रहे प्रेस न्यूज, मैं हूं पीसी सैनी। अजीतगढ़ पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक, प्रधान शंकरलाल यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक। बैठक के समय को लेकर हुई गफलत, कुछ सदस्यों ने किया जमकर हंगामा, आपस में तू तू मैं में की आई नौबत। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा, अनुपस्थित अधिकारियों पर कार्रवाई का लिया प्रस्ताव। सीकर जिले के अजीतगढ़ पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक सोमवार को प्रधान एडवोकेट शंकरलाल यादव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में समय की गफलत को लेकर जमकर हंगामा हुआ, बाद में समझाइश के बाद सदस्य शांत हुए। जानकारी के अनुसार अजीतगढ़ पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक पूर्व निर्धारित समय के अनुसार कोरम पूरा करते हुए प्रधान शंकरलाल यादव की अध्यक्षता में शुरू करते हुए विभिन्न पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य आदि मुद्दों पर चर्चा शुरू हुई। बैठक में सड़क, पानी, बिजली सहित अन्य कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में प्रधान शंकरलाल यादव ने कहा कि बैठक की सूचना सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को दी गई थी, लेकिन कई विभागों के अधिकारी व कर्मचारी बैठक में उपस्थित नहीं हुए, जिस पर प्रस्ताव पारित किया गया कि जो अधिकारी व कर्मचारी बैठक में नहीं आए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान विकास अधिकारी धर्मेंद्र आर्य, पंचायत समिति सरपंच संघ के अध्यक्ष शंभु मीणा, वरिष्ठ पंचायत समिति सदस्य बन्ना गुजर, सरपंच संघ के संरक्षक सुंदरलाल भावरिया, कई उपस्थित थे। माननीय सदस्य बैठिए, बैठिए। सम्माननीय सम्मान्य सदस्य आप बैठिए, और आप ऐसे नहीं कर सकते। सम्मान्य सदस्य आप बैठिए, अब बैठिए, आप बैठिए। पंचायत समिति की जो मीटिंग हुई उसमें संबंधित सम्मानित सदस्य हमारे सरपंच साहब, पंचायत समिति सदस्य और पदारे जिला परिषद के मेंबर, इन्होंने अपने अपने वार्डों में, अपने अपने पंचायतों में जो जिस डिपार्टमेंट से संबंधित समस्याएं थी सबको उन्होंने उठाया। मुख्य बात ये रही कि राज्य सरकार के संबंधित सभी विभागों को सूचना के बावजूद हमारे पास 4-5 विभाग उपस्थित हुए हैं, अन्य विभाग उपस्थित ही नहीं हुई। तो जब तक कोई विभाग का अधिकारी उपस्थित नहीं होता तब तक उनसे संबंधित जो समस्याएं हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाने में बहुत बड़ी समस्या आती है। इसलिए जो जितने भी विभाग हमारे अनुपस्थित रहे उन सब अनुपस्थित विभागों के खिलाफ राज्य सरकार को लिखा जाएगा कि सरकार उनके खिलाफ अनुशासनात्मक विधि अनुसार जो भी कार्रवाई होगी। पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक बुलाने का अधिकार संबंधित पंचायत समिति के प्रधान को होता है, और मैंने साधारण सभा की बैठक जो आहूत की उसका समय सोमवार सुबह 11 बजे दिनांक 6/6/2022 निर्धारित करके सरकार के सभी विभागों को और सभी सम्मानित सदस्यों को भिजवा दिया था। बाद में हमारे कार्मिक के द्वारा सिर्फ एक व्हाट्सएप पर मैसेज डाला गया कि मीटिंग 11 बजे की बजाय 1 बजे सम्मानित विधायक महोदय आएंगे। उन्होंने भी ये नहीं लिखा कि मीटिंग स्थगित की है या मीटिंग का समय चेंज किया है, ऐसा नहीं लिखा। उस मिसकंडक्ट को लेकर के कुछ सदस्यों को आपत्ति थी, उन्होंने आपत्ति दर्ज करवाई है। अब ये जो कार्मिक ने मिस्टेक की है आगे के लिए उसको पाबंद किया जाएगा कि वो ऐसी व्यवस्थाएं एक प्रधान के अधिकारों को अपने हाथ में नहीं ली।